हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू सर्विंग जायका। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको खूब सारा थैंक्स बोलना चाहता हूं। आपने मेरे पहले वीडियो पे बहुत सारा लाइक्स एंड सब्सक्राइब दिखाया, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। आइए अब हम अपने सेकंड वीडियो की तरफ चलते हैं। इस वीडियो में हम स्प्रिंग रोल बना रहे हैं। काफी ईजी रेसिपी है इसकी, आप सबको मजा आने वाला है। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम बनाते हैं स्प्रिंग रोल, एंड अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं स्प्रिंग रोल। मैंने 1 कप कॉर्नफ्लावर लिया है और उसमें 1 कप रिफाइंड फ्लावर डालूँगा। इसको थोड़ा मिक्स करने के बाद ये इस मैंने सॉल्ट डाल दिया है 1 टीस्पून। इसको अच्छे से चला लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें दूध डालेंगे जो कि मेरे पास 1 कप है, और वाटर भी 1 कप है। इसको धीरे धीरे ऐड करेंगे, ये लम्स ना बने। और इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिन रहती है इस बैटर की, तो उसको अभी दिखाता हूँ कंसिस्टेंसी। ये देखिए काफ़ी थिन फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है। चम्मच पे पतला सा लेयर आपको दिखेगा। तो अब इसका बैटर बना को हम घोल को हम डाल दिए पैन पे। काफ़ी पतला लेयर बनेगा ये, तो अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। और यहाँ साइड में मैं कॉर्नफ्लावर स्प्रेड करते रहूँ ताकि ये चिपके नहीं ये रोल्स। ये मैं पहला निकाल दिया, इसको अच्छे से फैला के रख दूंगा जिससे ये ठंडा हो जाए, और थोड़ा सा इस पर कॉर्नस्टार्च ऊपर से स्प्रेड कर दूंगा। बैटर को आप जब भी डालें तो इसको अच्छे से घुमा दें, और जो भी एक्सेस बैटर हो उसको आप निकाल दें। ये धीरे धीरे जैसे ही पकेगा वो पैन छोड़ देगा खुद ही अपने आप। मैं साइड से थोड़ा एजेस जो चिपक गए थे उसको निकाल दे रहा हूँ। ये देखिए काफ़ी पतली सीड्स बनी हुई है, मेरे फिंगर्स भी देख सकते थे। तो मैं जल्दी जल्दी कुछ सीड्स बना लेता हूँ। इसका ये है कि आप जितना पतला बैटर बनाओगे उतना अच्छा आपका सीड्स बनेगा एंड उतना क्रिस्पी रोल्स बनेगा आपके स्प्रिंग रोल्स। तो अब ये हो ही गया है मेरा। अब मैं इसका मसाले का तैयारी करूँगा। ये मैंने ऑयल लिया है, ये प्याज अधिक प्याज है, इसको अच्छे से सौते कर लेंगे। जिंजर गार्लिक ग्रीन चिलीज है, इसको सौते करने के बाद ये मैंने कैबेज और कैरेट में सॉल्ट ऐड करके रखा है जिससे इसका सारा पानी निकल जाएगा। तो आप इसमें सॉल्ट डाल के इसको अच्छे से स्क्वीज़ कर लीजिए, और इसके बाद इसको ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से स्प्रेड करके ऐड कर दीजिए। अब इसको अच्छे से सौते कर लेंगे। वेजिटेबल को ज़्यादा गीला नहीं करना, ज़्यादा कुक नहीं करना जिससे वो पानी छोड़ देगा। इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे, इसको भी लाइट सौते होगा। अब हम इसमें सॉल्ट डालेंगे जो कि 1 टेबल स्पून है, पेपर 1 टेबल स्पून है, एंड इसमें मैं 1/2 टीस्पून अपना सेचवान चटनी डालूँगा। इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है एंड वो थोड़ा स्पाइसी भी बनेगा। तो लीजिए ये तैयार हो गया मिक्सर, हम इसको रिफ़िल करेंगे, इसको सीट पे लगा लेंगे। कॉर्नर से स्टार्ट करना है, इसको फोल्ड करेंगे एक फोल्ड लाइट, और उसमें बैटर अप्लाई कर देंगे। ये मैंने कॉर्नफ्लावर और वाटर ऐड करके बनाया है, तो इससे काफ़ी ये एज ए ग्लू काम करेगा, ये चिपक जाएगा। इसको ऐसे फोल्ड करके 2 फोल्ड कर दूंगा। मैं आपको 2 तरीके के रोल्स बनाने से दिखाऊँगा, एक राउंड सीट से और एक रेक्टेंगुलर से। अब इसको एंड में ऐसे लगा के को फोल्ड कर देंगे। ये देखिए सीड्स आपकी अगर कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई है तो आप उसको काट सकते हैं, तो आप उसको 2 में यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार उसको रोल करते हुए चिपकाते हुए अच्छे से आप लंबे लंबे सिगार टाइप के रोल्स बना लीजिए। जब बाद में फ्राई कीजिएगा तो आप इसको आप 2 में काट भी सकते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी थिन रोल्स हैं, ये रेक्टेंगुलर वाला, इसको आप ऐसे रखेंगे। इसका भी प्रोसेस सेम है बट इसके साइज छोटे रहते हैं एज़ कम्पेयर टू राउंड रोल्स। इसको अच्छे से बैटर लगाने के बाद इसको हम फोल्ड कर देंगे। ये हो गया।
देखिए मैं आपको यहाँ पे दो तरीके का दिखाऊंगा, ये पतले वाले हैं स्क्वायर वाले, और ये राउंड सीड्स से जो मैंने बनाया है। अब चलिए अब इसको जल्दी से फ्राई कर लेते हैं। ऑयल मैंने गरम करके रख दिया था, अब इसमें मैंने डाल दिया ये रोल्स। इसको अच्छा लाइट गोल्डन ब्राउन करना है, बीच में इसको टच मत कीजिएगा। ये देखिए काफ़ी गोल्डन हो गया है, उसको निकाल के अब मैं इसको प्लेट कर देता हूँ। क्यों लग रहा है ना ये अच्छा? आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।